हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फोर्थ, और ये क्लास है आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास, दैट इज़ यूनिट 7। आज का टॉपिक है आपका मैपिंग ऑफ डेटा। मैपिंग ऑफ डेटा, देखिए दो कॉन्टेक्स्ट में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया स्टैटिस्टिकल कॉन्टेक्स्ट, जिसके जो आपका ज़्यादा रिलेटेड है विद द DI, एंड दूसरा आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है आपका ICT का। ICT में या कंप्यूटर्स में भी मैपिंग ऑफ डेटा एक कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कोशिश की है कि दोनों ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको इसको क्लियर करा दूँ कि मैपिंग ऑफ डेटा में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या मैपिंग ऑफ डेटा क्या है। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई होप इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं तो हम इसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, डेटा मैपिंग होता क्या है। तो अगर हम ICT की बात करें तो डेटा मैपिंग बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम बिग डेटास की बात करते हैं। अब बिग डेटास क्या होते हैं? देखिए, बिग डेटास कोई भी टाइप का डेटा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिसको प्रोसेस करना ईजी ना हो, और जिसको प्रोसेस करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंप्यूटर्स की यूज़ करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उस टाइप के डेटास को हम बिग डेटास बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू बिग डेटास को इंटरप्रेट किया जाता है या बिग डेटास की मीनिंग को समझा जाता है या उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो डेटा मैपिंग, बेसिकली डेटा मैपिंग में हम करते क्या हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो, चाहे क्वालिटेटिव डेटा हो, चाहे आपका वो क्वांटिटेटिव डेटा में भी डिफरेंट टाइप का डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा हो या कॉन्टिन्यूस डेटा हो, इन सारे डेटास को आपस में मैप करना, आपस में कनेक्ट करना, आपस में लिंक्ड करना, सो दैट इनका एक प्रॉपर हम मीनिंग निकाल सके, एक इनका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन निकाल सके। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा अवेलेबल है जो कि किसी के इनकम का डेटा है, ठीक है, या आप कह लीजिए कि एक पर्सन के या एक फैमिली के इनकम का डेटा है। तो ये इनकम जो है, यहाँ पे मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स जो हैं अर्निंग है, और ऐसे ऐसा कुछ उनका इनकम का डेटा आपके पास आ रहा है। तो एक फैमिली के इनकम के डेटा को अगर हमें किसी और फैमिली के इनकम के डेटा के साथ कंपेयर करना होगा, तो उसको हमें आपस में लिंक कराना होगा, तो ही हम आपस में उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो उन लिंकिंग को, इस प्रोसेस ऑफ लिंकिंग को हम डेटा मैपिंग बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, डेटा मैपिंग is a process used in data warehousing by which different data models are linked to each other using a different set of method of characterized the data in a specific definition. तो warehousing क्या है, data warehousing क्या है, data mining क्या है, data mapping क्या है, ये सारे concepts जो हैं आपकी, ये ICT के concept हैं। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अगेन ये सारा जो टॉपिक है आपका डेटा मैपिंग के, जो बेसिक डेटा मैपिंग होती क्या है वो मैं आपको एक बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, डेटा माइनिंग क्या है, अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ICT से रिलेटेड हो जाता है, तो इतना ज़्यादा डीप में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगेन डेटा मैपिंग की अगर हम बात करें तो डिफरेंट सेट्स ऑफ मेथड्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम स्टार्ट्स की बात करें, तो स्टार्ट्स में भी जब आप लिंक करते हो डेटा को, तो उनमें डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो उन मेथड के यूज से जब हम डेटास को लिंक करते हैं, ताकि उनको हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक डेफिनेशन? हियर स्पेसिफिक डेफिनेशन मीन्स दैट टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मीनिंग टू देम। तो जब हम उनको मीनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास को आपस में लिंक करके, उनको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देते हैं, उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा मैपिंग। दिस डेफिनेशन कैन बी एन एटॉमिक यूनिट सच एज अ यूनिट ऑफ मेटा डेटा और एनी अदर सिस्टमैटिक डेटा। तो किसी भी तरीके का ये डेटा हो सकता है, मेटा डेटा भी हो सकता है आपका, सिस्टमैटिक डेटाज भी हो सकते हैं, या किसी भी तरीके की कोई भी यूनिट, कोई भी एक सिंगल यूनिट जिसको आप आपस में लिंक कर रहे हैं, उन डेटास को आपस में लिंक करें, सो दैट दे कैन बी असिस्ट, वी कैन इंटरप्रेट अ सिस्टमैटिक नॉलेज फ्रॉम दैट डेटा, दैट इज नोन एज डेटा मैपिंग। तो डेटा मैपिंग की आप बेसिक डेफिनेशन जान लीजिए, इतना जान लीजिए कि ये ICT से भी रिलेटेड होता है, ICT के जो बिग डेटास होते हैं उसको भी चर्न करने के लिए, उसको भी उसका मीनिंग इंटरप्रेट करने के लिए डेटा मैपिंग का हम यूज़ करते हैं। तो इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफिशियंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत करिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्वेश्चंस आएंगे। तो अगेन एक बेसिक नॉलेज आपके लिए उतनी ही सफिशियंट है। तो अगर हम बात करें कि डेटा लिंकिंग जो होता है, ये डेटा लिंकिंग जो होते हैं ये एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। जैसे किसी भी, अगर आप डेटा को एक आप उसको बेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो किसी भी टाइप के बेस डेटा को बेस प्रोवाइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड होगा, एक गाइडलाइन होगी जो कि आप फॉलो करोगे।
अगेन अगर हम बात करते हैं डेटा लिंकिंग की, जब हम डेटास को लिंक कर रहे हैं आपस में, तो भी अब उनको हम लिंक कर रहे हैं तो इट मीन्स कि एक गाइडलाइन हमें दी जाएगी, उस हिसाब से ही हम डेटा को लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि क्वांटिटेटिव डेटा को आपको क्वांटिटेटिव डेटा से ही लिंक करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस सिचुएशन में आप क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव डेटा से लिंक कर दोगे। तो जब हम कभी भी डेटा को लिंक करते हैं या डेटा को आपस में मैप करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड या सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें, जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को मैप करें। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई कोई सेंसस डेटा है वो हमने कलेक्ट किया, अब एक ईयर के सेंसस डेटा को आप किसी और टाइप के रेवेन्यू डेटा या किसी और टाइप के इनकम डेटा के साथ आपस में लिंक नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपको सेंसस डेटा को इंटरप्रेट करना है किसी सेंसस डेटा के साथ, तो आपस में वो दोनों ही लिंक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सेंसस डेटा को किसी और कंट्री के सेंसस डेटा के साथ लिंक कर दीजिए, या फिर आप एक सेंसेक्स डेटा को एक कम पूरे कंट्री के आप कह सकते हैं कि जीडीपी से कंपेयर करिए। तो इस तरीके से जो हम कंपैरिजन करते हैं उसमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेटा मैपिंग जो होता है ये एक इनिशियल स्टेप होता है डेटा इंटीग्रेशन का। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपस में डेटास को इंटीग्रेट करना, उनको आपस में मिलाना। तो उस जब हम डेटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जब हम डिफरेंट डेटास को इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर मीनिंग निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले हम डेटास को आपस में लिंक करें, उनके बाद ही हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके बाद ही हम उसकी एक प्रॉपर मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द टेक्निक्स इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग डेटा वैल्यूज इन डिफरेंट डेटा सोर्सेज एज वेल एज ऑटोमेटिकली एंड साइमल्टेनियसली डिस्कवरिंग कॉम्प्लेक्स मैपिंग बिटवीन द सेट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि डेटा मैपिंग आपके कोर्स में क्यों पूछा हुआ है। देखिए, डेटा मैपिंग को इंक्लूड करने का सिर्फ ये रीज़न है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं वो आपका एक एक टाइप ऑफ डेटा मैपिंग है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डेटास को मैप करके आपके सामने रख कर और उसके बाद उन डेटास को लिंक करके आपको दिया जाता है कि अब आप इनसे एक पर्टिकुलर मीनिंग को इंटरप्रेट करिए। तो ये जो टॉपिक है डेटा मैपिंग, ये आपका मोर ऑफ प्रैक्टिकल टॉपिक है रेदर देन थ्योरेटिकल टॉपिक। ये थ्योरेटिकल टॉपिक होता नहीं है। डेटा मैपिंग जो है वो कि ऑटोमेटिकली जो डीआई आप कर रहे हो, जो डेटा इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो, वो वही चीज़ है। बस डेटा मैपिंग को हम ये बोलते हैं कि आपको इस तरीके के, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो एक एग्जांपल ऑफ डेटा मैपिंग है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास को आपस में लिंक किया है, उसको मैप किया है और उसके बाद आपको दिया है उसका एक इंटरप्रेट करने में या उसका डेटा इंटरप्रिटेशन निकालने में। तो जो क्वेश्चंस आप देखते हो अपने सामने वो आपके डेटा मैपिंग के ही रिजल्ट हैं, या प्रैक्टिकल डेटा मैपिंग हम उन्हीं को कह सकते हैं। उसके बाद जब उसका आप इंटरप्रिटेशन करते हो तो उसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। अगेन अगर मैं बात करूं, डेटा मैपिंग इज आल्सो यूज्ड इन कंसोलिडेटिंग मल्टीपल डेटाबेसेस इनटू अ सिंगल डेटाबेस। तो अगर मैं आईसीटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो वहां पे डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे डेटा हम कैप्चर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्राइवेट फर्म की हम बात करें, एक प्राइवेट फर्म है जो कि बैंक है और वो डिफरेंट टाइप के उनके पास डेटाज अवेलेबल हैं ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर इन देयर ब्रांचेस। तो वो क्या है, वो अगेन एक बहुत बड़ा डेटाबेस होगा। तो इस तरीके के जो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होंगे, उनके जो डेटाबेसेस होंगे अलग अलग, मतलब हर ब्रांच में अलग कस्टमर्स होंगे, उनके अलग अकाउंट नंबर होंगे, इस सारे डेटास को जब हम एक सिंगल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं या उनको मर्ज करते हैं या आपस में मिलाते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम डेटा मैपिंग भी बोलते हैं। तो आई होप आपको इस चीज से समझ में आ रहा होगा कि डेटा मैपिंग बेसिकली है क्या। तो अगेन टॉपिक आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक से। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज डीआई आएंगे। डीआई जो आपके सामने जैसे आते हैं आपको वैसे सॉल्व करना होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।